हम देखते हैं कि ई बिजनेस से प्राप्त होने वाले लाभ कौन-कौन से हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ई बिजनेस से प्राप्त होने वाला पहला लाभ है विश्व स्तर पर पहुंच, वर्ल्ड वाइड अप्रोच। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ई बिजनेस को भूमंडलीय कर दिया गया है, मतलब विश्व के हर कोने में ई बिजनेस पॉसिबल है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर दूसरे कोने की वस्तु को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप बिल्कुल ऑनलाइन बुक कीजिए उसे, उसके पेमेंट करिए और वो वस्तु आपको निर्धारित दिए गए समय में आपको आपके घर तक उपलब्ध करा दी जाएगी। आगे देखते हैं, अगला जो है लाभ कहता है पूर्ति श्रृंखला में कमी, यानी शॉर्टनिंग ऑफ सप्लाई चेन। इसमें क्या हो गया है बच्चों, कि जो मध्यस्थ थे, थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी, वो क्या होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है कि जो पूर्ति श्रृंखला है वो छोटी होती चली जा रही है। अब डायरेक्ट क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, डायरेक्ट ऐप पे ऑर्डर करता है और ऐप डायरेक्ट क्या करता है, सीधा कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करता है या जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उसकी डिलीवरी करता है। तो यहाँ मध्यस्थ नहीं आ पाए, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पूर्ति श्रृंखला में कमी आई है। और इस वजह से क्या होता है, इस वजह से कस्टमर को जो वस्तुएं ज़्यादा कीमत पर मिलती थी वो अब उन्हें कम कीमत पर उपलब्ध होने लग गई हैं। आगे अगले लाभ की ओर बढ़ते हैं। अगला लाभ कहता है सरल वितरण प्रक्रिया, इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। आप जब ऑनलाइन बुक करते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, अपना एड्रेस डाल देते हैं। आपने खुद भी देखा होगा कि वो व्यक्ति, उसी कंपनी का व्यक्ति आता है, सेल्समैन हम जिसे कहते हैं, या हम कह सकते हैं डिलीवरी बॉय इज़ अ गुड वर्ड फॉर हिम, कि डिलीवरी बॉय बहुत अच्छा शब्द है, सही शब्द है उसके लिए। डिलीवरी बॉय आता है और वो डिलीवर करके जाता है, तो ये एकदम वितरण इसका सही और सरल हो चुका है। अगला जो लाभ है वो कहता है कि शंकाओं का तुरंत समाधान, क्विक सॉल्यूशन टू द डाउट्स। अगर आपको किसी भी उत्पाद या सेवा से शंका है तो आप तुरंत कॉल करके या मेल के थ्रू क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं और उनसे जानकारी ले सकते हैं, जिससे कि आपकी शंकाओं का जितनी जल्दी हो सके उसका समाधान किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रांड इमेज की भी बात आती है। आगे बढ़ते हैं और इसके अगले लाभ को देखते हैं। अगला लाभ कहता है कि नए उत्पाद को लाने में आसानी, इजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स। बिल्कुल इजी है। कैसे, क्या किया, डिस्प्ले कर दिया उस एप्लीकेशन में या ब्राउज़र में। अब उस ब्राउज़र में जब नया प्रोडक्ट आया, उसमें क्या हुआ, उसका सारा डिस्क्रिप्शन दे दिया। मान लीजिए हम फ़ोन की बात कर रहे हैं, एक नया फ़ोन आया है विथ न्यू फीचर्स, तो उसके सारे नए फीचर्स उसमें डिस्प्ले होंगे, साथ ही साथ उसमें कितने कलर्स अवेलेबल, ये भी उसके फीचर में, वो कितने का टैक्स के साथ आपको अवेलेबल होगा, कितने दिनों में मिलेगा। इसके साथ साथ आप अगर देखें तो वहाँ पे उसका कस्टमर रिव्यू भी आपको कई बार मिल जाता है, कि अगर पहले दो तीन कस्टमर ने उनको परचेज़ कर लिया है तो दो तीन चीज़ें होती हैं इसमें। पहली चीज़ तो होती है कि ईजी टू क्या होता है, ईजी टू डिस्प्ले या ईजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं या फोकस्ड कस्टमर्स हैं, टारगेट कस्टमर्स हैं, वो बहुत जल्दी क्या आते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं इस तरह के नए स्कीम से या नए लॉन्च से। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला लाभ। वो कहता है कर्मचारी लागत में कमी, लेस पर्सनल कॉस्ट। अब बच्चों देखिए, बहुत से कार्य यहाँ पे चूँकि कंप्यूटर बेस्ड है, और जब ये कंप्यूटर बेस्ड हैं तो आपने कंप्यूटर पढ़ते समय एक लाइन भी पढ़ी होगी कि जब कंप्यूटर से वर्क होता है तो वो अति शुद्धता से होता है। तब इस सिनेरियो में हम कह सकते हैं चूँकि बहुत सारा काम यहाँ कंप्यूटर बेस्ड है तो यहाँ पे लोगों की कम आवश्यकता है, जिस वजह से यहाँ पे जो स्टेटमेंट आता है कि कर्मचारी लागत में कमी आई है, ये भी इसका एक लाभ है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो लाभ है वो कहता है कि समय की बचत, टाइम सेविंग। जैसे कि मैंने आपको एक्ट में बताया कि मेरा बहुत सारा समय बच गया। कैसे, मैंने क्या किया, ऑनलाइन शॉपिंग की और मैंने सामान मंगा लिया, उसमें ही जितना सामान समय लगा, ठीक है, बाकी बचे हुए समय में मैंने घर के अपने बाकी काम भी या दूसरे काम भी निपटा लिए।
तो इसमें समय की भी बचत हो गई। अगला जो बिंदु कहता है वो कहता है भुगतान की जोखिम में कमी, लेस रिस्क इन पेमेंट। अब जब भी पेमेंट की बात आती है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पेमेंट दो तरीके से होते हैं, ई कॉमर्स की बात या ई बिज़नेस की बात कर रहे हैं, इससे हम ऑनलाइन बैंकिंग की बात करेंगे जिसमें हम क्या बात कर रहे हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं या भुगतान करते हैं। तो मतलब यहाँ पे जब पेमेंट की बात आ रही है, जब हम अपनी डिटेल्स अब डाल रहे हैं, तो कहने का मतलब है हम सोच समझ के कर रहे हैं, तो यहाँ पे जोखिम कम होता है। नेक्स्ट करते हैं कि दूर दराज के क्षेत्र में वस्तुएं एवं सेवाओं का उपलब्ध होना, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल इन रिमोट एरियाज। मतलब बहुत गांव में जहां पे कुछ वस्तुएं उपलब्ध नहीं है लेकिन वहां उन लोगों को चाहिए, तो वो लोग भी क्या कर सकते हैं, या ऐसी जगह जहां पर वस्तुओं की कमी है उनको उन वस्तुओं की आवश्यकता है, तो वो इस तरह के ई बिज़नेस का लाभ उठा करके या ऑनलाइन शॉपिंग का लाभ उठा करके क्या कर सकते हैं, वहाँ तक वस्तुओं को उपलब्ध करा सकते हैं या उनको उपलब्ध हो सकती है। तो बच्चों इस तरीके से आपने ई बिज़नेस के लाभ को जाना। आइए अब हम देखते हैं कि ई बिज़नेस के दोष क्या हैं। ई बिज़नेस के दोष या सीमाओं को अगर हम देखें तो वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कम व्यक्तिगत संपर्क यानी लो पर्सनल टच। कहने का मतलब है कि यहाँ व्यवहार की कमी हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक जनरल बात करती हूँ, जब हम दुकान में जाते थे तो क्या होता था, हम वहाँ दुकानदार से बात करते थे तो वहाँ हमारे एक पर्सनल व्यवहार बनता था, उनसे पर्सनल अटैचमेंट होता था, वो हमको जानते थे। हमको कई बार ऐसा भी होता है कि हम अगर पैसों को भूल भी गए हैं तो लेकिन वो हमारा व्यक्तिगत संबंध अच्छा है उनसे, तो इस वजह से ठीक है आप पैसों को बाद में दे देना, तो इस तरह का व्यवहार भी करते हैं। और एक दूसरे तरीके से समझें तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें हमें स्वयं जाकर ख़रीदना पड़ता है, ठीक है, उनके लिए हम ऑनलाइन शॉपिंग पे बहुत यकीन नहीं कर सकते। ऐसी कई वस्तुएं होती है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आप अपने इनरवियर्स ख़रीदते होंगे, या फिर इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आप जब राशन ख़रीदते हैं, ठीक है, आपने चावल ऑर्डर कर दिया लेकिन आपने चावल की क्वालिटी देखी नहीं, लेकिन अगर आप वही दुकान में जाएंगे थोक व्यापारी के यहाँ, तो वहाँ आप चावल की क्वालिटी, जिस तरीके का चावल आप पसंद करते हैं आप उसी को लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि आपको वो बड़ी मात्रा में चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप दुकानों तक जाएंगे, लेकिन यही अगर हम ई बिज़नेस की बात करें तो वहाँ पे हम क्वालिटी चेक नहीं कर सकते या कुछ ऐसी वस्तुओं को नहीं खरीद सकते जहाँ हमारा पर्सनली होना ज़रूरी है, व्यक्तिगत रूप से होना ज़रूरी है। तो ये ई बिज़नेस की पहली सीमा या पहली हानि थी। दूसरी हानि होती है सुपुर्दगी में देरी, डिले इन डिलीवरी। अब सारी वस्तुएं कंप्यूटराइज्ड हैं, अब सारे कार्य कंप्यूटराइज्ड हैं, जितनी भी क्रियाएं सब कंप्यूटर पे हो रही हैं, लेकिन वस्तुओं को कभी कभी पहुंचने में क्या होता है, देरी हो जाती है, या जो एप्लीकेशंस हैं या ब्राउज़र हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी सुपुर्दगी देने में देरी कर लेते हैं, जो कि इसकी एक बहुत बड़ी हानि है या सीमा होती है। अगला है हार्डवेयर की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट ऑफ हार्डवेयर। देखिए बच्चों, अब इस तरह के व्यवहार में या व्यापार में दोनों ही उपभोक्ता के पास भी हार्डवेयर की आवश्यकता है, और जो है बिजनेसमैन जो व्यापारी है उसके पास भी क्या है, उस प्रकार के हार्डवेयर की आवश्यकता है, यानी कंप्यूटर होना चाहिए, इंटरनेट के लिए सारे रिसोर्सेस होना चाहिए, और मोडेम वगैरह जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, वाईफाई होना चाहिए, सारी चीज़ें, है ना। तो ये सारी चीज़ें उपभोक्ता के पास भी होना चाहिए और साथ ही साथ व्यापारी के पास भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हार्डवेयर की आवश्यकता एक बहुत बड़ी हानि होती है, क्योंकि ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, है ना। हालांकि जैसे कि हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, अब फ़ोन में इतने सारे एप्लीकेशंस हैं जिनका हम इंटरनेट के थ्रू यूज़ करके ऑनलाइन शॉपिंग कर देते हैं। अब एज ए कस्टमर हमें ये फ़ोन वाली जो सेवा है वो हमें थोड़ी सस्ती पड़ती है, और चूँकि फ़ोन जो है बहुत ही बड़ा रिक्वायरमेंट बन चुकी है आज के सिनेरियो में, तो
क्या है कि हार्डवेयर की आवश्यकता के अंतर्गत इसे भी लिया जा सकता है ना, और इसे भी लिया जाएगा ही, क्योंकि हमें भी एज ए कस्टमर कोई चीज़ अगर ऑनलाइन परचेस करनी है तो फ़ोन की ज़रूरत है, अगर हम फ़ोन से परचेस कर रहे हैं, और अगर कंप्यूटर से परचेस कर रहे हैं तो कंप्यूटर की आवश्यकता है, तो दोनों ही बातें हैं। और साथ ही साथ व्यापारी को तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता है ही, क्योंकि उसे उसका बिजनेस चलाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जोखिम या रिस्क की। देखिए बच्चों, अब जब हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो हम कुछ शब्द अक्सर सुनते हैं जो कि रिस्क फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। वायरस, हैकर्स, इसके अलावा ब्रांड हाईजैकिंग, ये जो तीन चार शब्द हैं ये क्या करते हैं जो है ई बिज़नेस के रिस्क को बढ़ा देते हैं, है ना। ये ई बिज़नेस के रिस्क को किस तरीके से बढ़ाते हैं, जैसे कुछ आपने बीच में सुना भी होगा, कुछ एक ऐसे उदाहरण अपने घर परिवार में भी सुने होंगे कि एक टेलीफोनिक कॉल आया, उन्होंने आपके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का नंबर मांगा, चूँकि आपके ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादी माँ या दादाजी या नानी माँ नानी या नाना जी को इन सब चीज़ों के बारे में उस समय जानकारी नहीं थी, उन्होंने सारे डिटेल्स उस फ़ोन कॉल वाले व्यक्ति को दे दिए, तो क्या हुआ, बहुत सारे पैसों का नुकसान हो गया। तो ये जो है एक बहुत बड़ा जोखिम है। साथ ही साथ इसके अलावा अगर आप देखें तो कई बार क्या होती है, वेबसाइट्स को हैक कर लिया जाता है ना, और ब्रांड हाईजैक हो जाता है, तो इस स्थिति में उपभोक्ता को भी नुकसान होता है, साथ साथ व्यापारियों को भी नुकसान होता है। जो अंतिम सीमा है वो कहती है कम नैतिकता यानी लो एथिक्स। कई बार इंटरनेट बिजनेस में या ई बिज़नेस में इस तरह के लो एथिक्स को भी देखा गया है, जो कि इसकी पांचवी और अंतिम आनी है। तो बच्चों, इस तरीके से हमने ई बिज़नेस को किस प्रकार के अवसर प्राप्त हैं वो जाना, उनके लाभ जाने और उनकी हानियों को जाना। आइए अब हम देखते हैं कि व्यावसायिक लेन देन की सुरक्षा। हमने देख लिया कि ई व्यवसाय या ई व्यवसाय से किस प्रकार की हानियाँ भी हो सकती हैं, तो अब उनकी सुरक्षा की बात कर लेते हैं, या ये जो सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात कर रहे हैं ये क्यों ज़रूरी है। जैसे कि आप आम जीवन में आजकल सुनते होंगे कि कई हैकर्स ऐसे आ गए हैं जो कि क्या करते हैं, आपसे ऑनलाइन पेमेंट ले लेते हैं। बहुत छोटे छोटे उदाहरण हैं, कुछ एक उदाहरण आपने अपने दैनिक जीवन में भी अनुभव किए होंगे, जैसे कि आजकल चलन में है कि एक बहुत अच्छा सोशल मीडिया अकाउंट है जो कि आप अक्सर लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, किसी एक व्यक्ति की फेक आईडी बनाते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, उसके सारे डिटेल्स को सेम कॉपी पेस्ट करते हैं उसी फेक अकाउंट में, और उसके फ्रेंड्स को दोबारा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज कर क्या करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं वो व्यक्ति बनकर। ये एक प्रकार का, एक प्रकार का आपने और देखा होगा कि विभिन्न व्यक्तियों का झूठे बैंकों के नाम से कॉल आता है और वो लोग आपसे आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स मांगते हैं, उनका पिन मांगते हैं ताकि वो आपके अकाउंट से ट्रांजेक्शन्स कर सकें, है ना। इसके साथ ही ऐसी कई और चीज़ें हैं जो कि इस ई बिज़नेस को जो है बुरी तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं, जिसमें कि हम पहला देखते हैं हैकर्स। ये नाम बहुत ही प्रचलित है, ये क्या करते हैं, अकाउंट को हैक कर लेते हैं। अब आपके लिए ये दूसरा अकाउंट नहीं बनाएंगे, आपके जैसा दूसरा अकाउंट नहीं बनाएंगे, वो आपके ही अकाउंट को क्या करेंगे, वो ऑपरेट करेंगे। आप भी उसी अकाउंट को ऑपरेट कर रहे हैं और वो भी आपके अकाउंट को ऑपरेट कर रहे हैं, और इस स्थिति में क्या होगा, आपके अकाउंट का पैसा खाली हो जाएगा, या आपको बहुत सी अलग अलग समस्याएं उत्पन्न होगी, या ई बिज़नेस में या ऑनलाइन शॉपिंग में समस्याएं आएंगी, ठीक है, या आपके बैंकों से बहुत सारी रकम ख़त्म भी हो सकती है, खाली भी हो सकती है, इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है। दूसरा अगर हम देखें तो बात आती है नकली ग्राहक। इसमें क्या होता है, असली ग्राहक बनकर ये जो नकली ग्राहक हैं
आपका लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स मांग लिए और अब आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के डिटेल्स अब उनके पास हैं, तो वो जितनी चाहे उतनी शॉपिंग कर सकते हैं, है ना। फिर एक बात आती है बनावटी व्यापारी। इसमें क्या होता है, ये जो व्यापारी होते हैं वो धन लेकर विज्ञप्ति वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति करने की इच्छा से ऑनलाइन व्यवसाय करते हैं। इसके बाद आता है जो विक्रेता की फाइल्स होती हैं, उसमें जो क्या होता है, बहुत से ग्राहकों का डेटा उपलब्ध होता है। अगर वो डेटा कोई हैकर या कोई व्यक्ति चोरी कर ले तो उसका बाद में क्या कर सकता है, दुरुपयोग कर सकता है। साथ ही साथ धोखाधड़ी द्वारा भुगतान के नकली हस्ताक्षर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो बच्चों, ये जो समस्याएं हैं वो आती रहती हैं। अब इनसे सुरक्षा या रक्षा के उपाय क्या हो सकते हैं। पहले ये बात हो सकती है कि इन जो डेटा है उनका रूप बदल दिया जाए। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे ये डेटा उपलब्ध नहीं होना चाहिए, उन्हें उस तरह के डेटा का की क्वालिटी का नॉलेज ना हो या उस तरह के रूप के डेटा का ज्ञान ही ना हो, ऐसे डेटा फॉर्म्स करने चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है, डिजिटल हस्ताक्षर, यानी हर चीज़ को लॉक कर दिया गया, एक पासवर्ड की तरह यूज़ करने करा गया कि जब तक ये पासवर्ड यूज़ नहीं होगा ये डेटा आप यूज़ ही नहीं कर सकते, या डिजिटल हस्ताक्षर भी उसे कह सकते हैं, डिजिटल हस्ताक्षर एज ए पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ गुप्त कुंजी विधि हम कह सकते हैं। इसमें ऐसा हो सकता है कि आपने सुना है कि जब सोल्जर्स जाते हैं आक्रमण करने के लिए, तो वो अलग प्रकार की आवाज़ों से या अलग प्रकार के इशारों से अपने साथियों को इन्फॉर्म करते हैं, ये इनके सीक्रेट इशारे होते हैं। उसी तरीके से अगर व्यवसायियों को इस ई बिज़नेस में होने वाली हानियों से बचना है या सुरक्षित रहना है, तो उन्हें भी इन गुप्त कुंजी विधि का उपयोग करना पड़ेगा। साथ ही साथ इन सुरक्षा उपायों के साथ उनको अपने व्यवसाय हुए में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनका समय समय पर परीक्षण करना होगा कि कोई उनके पास का जो डेटा है उसको लीक तो नहीं कर रहा या किसी को बेच तो नहीं रहा। तो ये सारी जो सुरक्षा की जितनी संभावनाएं हैं और जितने भी सुरक्षा कार्य कर सकते हैं उन सभी को करना पड़ेगा ताकि व्यवसाय के लेन देन में वो सुरक्षा बरत सकें। अब हमने देखा कि इस तरीके से जो है व्यवसाय के लेन देन में समस्याएं आती हैं और इस तरीके से सुरक्षा उसकी की जा सकती है। अब हम देखते हैं कि ई बिज़नेस के लिए आवश्यक संसाधन कौन से हैं, मतलब रिसोर्सेस। सबसे पहली चीज़ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, आप कंप्यूटर सिस्टम भी कह सकते हैं या ऐसे उपकरण जो उनको इस तरीके के कार्य करने में मदद करें, है ना, जो डिजिटल वर्क करें, डेटा पे वर्क करें, ऑनलाइन वर्क करें। ये सारे उपकरण या सारे संसाधन उस व्यापारी के पास होने चाहिए जो ई बिज़नेस करना चाहता है। दूसरी चीज़ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करने में मदद करते हैं। अगर वे लोग व्यवसायी अगर विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है, उनके बहुत से डेटा जो हैं हैक होने से बच जाते हैं या चोरी होने से बच जाते हैं और उनके बिजनेस में जो गोपनीयता बनी रहनी चाहिए वह हमेशा बनी रहती है। अगला बिंदु आता है कि प्रभावी दूर संचार प्रणाली। इसमें आप ईमेल का भी यूज़ कर सकते हैं और भी ऐसी कई दूर संचार प्रणाली है जिसका उपयोग करके जो ई बिज़नेस को रन करने वाले व्यवसायी हैं वो इनका उपयोग करके एक अच्छा ई बिज़नेस चला सकते हैं। फिर अगला आता है इंटरनेट कनेक्शन। बिना इंटरनेट कनेक्शन के जो है ई बिज़नेस पॉसिबल नहीं, क्योंकि वहाँ पे डेटा की आवश्यकता होगी, नेटवर्क की आवश्यकता होगी, इंटरनेट की आवश्यकता होगी। तो इंटरनेट कनेक्शन भी प्रॉम्प्ट होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ये सारी सुविधाएं बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या करना होगा, उन्हें एक जो
संस्थाएं या जो ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार की सुविधाएं दे रही हैं या इस प्रकार के कार्य करती हैं, उनसे वो उस तरह का इंटरनेट कनेक्शन परचेज करेंगी और उसके बाद अपने व्यवसाय को रन करेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेब पेज बनाना। वेब पेज बनाना क्या होता है? ये एक प्रकार का होम पेज होता है, हम इसे होम पेज भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, गूगल में जाकर के या इंटरनेट पे के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो व्यवसायी अपना इंटरनेट व्यवसाय करना चाहते हैं वो अपना एक होम पेज बनाते हैं और उनमें उन वस्तुओं के बारे में डिस्क्राइब करते हैं जिन्हें वो विशेष प्रकार से सेल करना चाहते हैं या जिन पर व्यवसाय करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतिम जो है, प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता। अब इस व्यवसाय को चलाने के लिए केवल एक व्यवसाय ही नहीं लगेगा, इसमें बहुत सारे लोग भी लगेंगे, तो उन सभी लोगों का यानी कर्मचारियों का प्रशिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, मतलब वेल ट्रेन्ड होना बहुत ज़रूरी है। उनमें वो कुशलता, वो कार्य की कुशलता होनी चाहिए कि वो उन चीज़ों को समझें, क्योंकि ये सारी चीज़ें टेक्निकल हैं यानी तकनीकी हैं। ये सारी चीज़ों, कंप्यूटर को ऑपरेट करना, किस तरीके से पेमेंट एक्सेप्ट करना, पेमेंट सही आया कि नहीं आया, ठीक है, ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना उन्हें ज़रूरी है। और जो प्रोडक्ट ख़रीदा गया है वो उनके स्टॉक से डिस्पैच हुआ कि नहीं हुआ, सारी चीज़ें जो कि ई बिज़नेस के लिए ज़रूरी हैं, सब कुछ उन कर्मचारियों को आना चाहिए। तो ये तो थे आवश्यक संसाधन जो कि ई बिज़नेस के लिए ज़रूरी हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इनमें पेमेंट यानी भुगतान विधि क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही उस एक्ट में बताया था कि पेमेंट की दो विधियां मैंने बताईं। पहले तो मैंने बताया था कि सुपुर्दगी के समय भुगतान यानी कैश ऑन डिलीवरी, मतलब जब भी डिलीवरी बॉय आपको आपका उत्पाद देने आता है आप उस समय उन्हें कैश दे सकते हैं। और मैंने आपको एक दूसरा बताया था कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने जाना है कि उनके डिटेल्स डाल करके आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। एक तीसरी बात इसमें बताई जा रही है, वो है नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है कि बैंक जो हैं अपने कस्टमर्स को या अपने खाताधारी को एक प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराते हैं कि वह अपने खाते में से दूसरे व्यक्तियों के कोषों में जो है वो क्या कर सकते हैं, पैसों को दे भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसे हम नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र करते हैं। ये फैसिलिटी जो है बैंकों के द्वारा अपने कस्टमर्स को दी जाती है। तो ये हुई भुगतान विधि। अब भुगतान विधि भी जान ली, अब देखते हैं कि ऑनलाइन लेन देन या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होते क्या हैं। जैसे कि आपने एक्ट में देखा कि मैंने एक शॉपिंग की और मैंने क्या किया कि वस्तुओं को ख़रीदा, ऑर्डर किया, एक ऑर्डर प्लेस किया मैंने। ठीक है, अब ऑर्डर दिया, उन्होंने फिर क्या किया, मुझे टोटल अमाउंट बताया कि आपने जो ऑर्डर किया है उसकी टू डू लिस्ट में इतने सामान आए हैं और इसका पेमेंट इतना बनता है, आप इसे पे कर दीजिए। अब पेमेंट कैसे करना है ये मुझ पर डिपेंड करता था, तो मैंने उस विधि को चुना और मैंने पेमेंट कर दी और मुझे समयावधि बताई गई कि इतनी तारीख तक आपको ये सामान जो है आपके घर तक डिलीवर कर दिया जाएगा और मुझे वो उस समय तक मुझे वो वस्तु मिल गई। तो ये हुआ बच्चों ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, है ना, ऑनलाइन लेन देन। ठीक है, अब इस ऑनलाइन लेन देन में आपने क्या चीज़ें मुख्यतः नोटिस की? सबसे पहले नोटिस किया होगा कि आपने मैंने ऑर्डर प्लेस किया है करके, है ना, और उसके बाद मैंने पेमेंट की है। लेकिन बच्चों अगर हम लेन देन की पूरी प्रक्रिया को देखें तो आइए जानते हैं कि इस प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ होती है और इसका अंत कहाँ होता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेन देन की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होती है पंजीकरण से। पंजीकरण क्या है, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर जानना चाहती हूँ कि पंजीकरण क्या है। अगर हम इसे बहुत ही सिंपल भाषा में बोलें तो अकाउंट ओपनिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बहुत सारे ब्राउज़र्स यूज़ किए हैं,
जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, इसमें आप जब ये शॉपिंग पोर्टल्स भी हम कह सकते हैं यूज़ करते हैं, तो उस समय क्या करते हैं, अपने अकाउंट बनाते हैं, है ना। अकाउंट बनाना ही मतलब पंजीकरण करना है। यहाँ पे आप अपनी जानकारी उस पोर्टल को उपलब्ध कराते हैं और वहाँ पे अपना एक खाता बनाते हैं, ठीक है। अब उस खाते में आपके नाम से एक विशेष प्रकार का शॉपिंग कार्ट क्रिएट होता है, ठीक है। ये शॉपिंग कार्ट किस लिए यूज़ करेंगे आप, कि अपने जो वस्तु खरीदना चाहते हैं उस वस्तु को उस शॉपिंग कार्ट में लिस्ट कर सकें। तो पंजीकरण बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ आप अपना खाता खोलते हैं, यहाँ पर आप अपनी जानकारी उस ब्राउज़र को या शॉपिंग पोर्टल को देते हैं और वो शॉपिंग पोर्टल आपके नाम का खाता बनाने के बाद आपको एक शॉपिंग कार्ट उपलब्ध कराता है, जहाँ पे आप जो भी ऑर्डर प्लेस करेंगे वो आपकी टू डू लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है आदेश प्रेषित करना, यानी ऑर्डर प्लेस करना। आपने क्या किया, मान लीजिए मुझे क्या ख़रीदना है, मुझे अब स्कूल मान लीजिए चालू होने वाले हैं, अब बच्चों के स्कूल चालू होने वाले, तो क्या क्या चाहिए, वाटर बॉटल चाहिए, बैग चाहिए, टिफ़िन चाहिए। विगत लगभग 1.5 साल से स्कूल बंद है, इसके बाद स्कूल खुल रही है, लेकिन मैं मेरे पास समय नहीं है कि मैं ये सब वस्तुओं को मंगा सकूं। तो मान लीजिए मैंने इन तीनों चीज़ों का ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो इसे ऑर्डर प्लेस करना कहते हैं, कि मैंने अच्छी क्वालिटी अपने पॉकेट के अनुसार कि मैं कितना खर्च कर सकती हूँ उस अनुसार मैंने ऑनलाइन शॉप कर लिया, कि मैंने ऑर्डर दे दिया कि मुझे ये टिफ़िन चाहिए, मुझे ये बैग चाहिए, मुझे ये वाटर बॉटल चाहिए, वो क्या हो गया, ऑर्डर प्लेस कर दिया मैंने। अब भुगतान तंत्र, अब मुझे इन तीनों का पेमेंट करना है। पेमेंट की बात आई तो फिर से वही बात होती है कि पहली बात सुपुर्दगी के समय जो है वो किया जाएगा नगद पेमेंट, यानी कैश ऑन डिलीवरी होगी, ठीक है। ये बात तो आपको क्लियर है। इसके बाद चेक की बात आती है, चेक कैसा होगा कि जब डिलीवरी बॉय आएगा उस समय हम कैश न देकर के क्या करें, उसको चेक दे दें। तीसरी बात आती है नेट बैंकिंग हस्तांतरण, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे बैंक जो है वो अपने कस्टमर्स को फैसिलिटी देता है और इसके अनुसार वो क्या कर सकते हैं, अपने जो अकाउंट हैं उनसे दूसरे अकाउंट में फ़ंड को जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नेट बैंकिंग हस्तांतरण हो गया, और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना, जैसे कि आप जानते हैं कि किस तरीके से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट होता है, ये वैसे हो सकता है। और साथ ही साथ अंत में क्या होगा, अंकीय डिजिटल नकद, यानी डिजिटल पेमेंट करना। डिजिटल पेमेंट में क्या होता है बच्चों, इसमें आप चेक और कैश नहीं देंगे, बल्कि ये जो होता है आप अपने अकाउंट से सीधा ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसे आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे आप गूगल पे यूज़ कर रहे हैं, पेटीएम यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब डिजिटल पेमेंट के ऐप हैं। तो बच्चों इस तरीके से जो आपने क्या समझा है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे होता है, इसमें जो बात आती है आपने क्या देखा कि पंजीकरण करना पड़ेगा, फिर आदेश प्रेषित करना पड़ेगा, और फिर भुगतान तंत्र की बात आएगी। तो इस तरीके से आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होता है ये जाना, और साथ ही साथ ऑनलाइन लेन देन की जो प्रक्रिया है, यानी प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, वो जानी। बच्चों अभी तक हमने ई बिज़नेस जाना, आइए अब आपके सिलेबस में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, अब इसके बाद हमें चर्चा करनी है ATM, यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन जिसे हम कहते हैं। बच्चों अब ATM से आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, ये आप अपने दैनिक जीवन में भी यूज़ करते हैं। क्या आप बता सकते हैं इससे होने वाला सबसे प्रमुख लाभ क्या है? सबसे बड़ी बात तो यही है कि व्यक्तियों को बैंकों में जाकर बैंकों के अधिकारियों के सामने लाइन लगाकर खड़ा नहीं होना पड़ता, और वो लंबी चौड़ी प्रोसेस से बच जाता है। इस प्रोसेस में एक चीज़ ये भी आती है कि व्यक्तियों को एक प्रकार की स्लिप भी साइन करके देनी पड़ती है, जिसमें कि अगर उनको पैसे निकालने हैं तो उसमें उसका पूरा विवरण रहता है, और यदि पैसे जमा करने हैं तो उसका भी पूरा विवरण रहता है। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए ATM बहुत ईजीली काम करता है। अब जैसे कि आप बात कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये जो मशीन होती है 24/7 काम करती है। जो उपभोक्ता है वो
इसमें से जो है वो क्या कर सकता है, 24/7 पैसे निकाल भी सकता है और जमा भी कर सकता है। तो ये व्यक्तियों की या उपभोक्ताओं की मदद करती हैं कुल मिलाकर के। अब अगर हम इसकी उपयोगिता जानें, तो उपयोगिता जानने से पहले बच्चों आप स्क्रीन पर एटीएम की तस्वीर देख लीजिए। ये है एटीएम, जिससे कि आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। अब बच्चों एटीएम की उपयोगिता जानते हैं। सबसे पहली बात, एटीएम की सबसे पहली उपयोगिता क्या है, नकदी निकालना, है ना। आपने कई बार देखा होगा, आप अपने पेरेंट्स के साथ भी गए होंगे या खुद भी जाते होंगे तो एटीएम से पैसे निकालते होंगे। उसमें क्या करते हैं आप, एक कार्ड होता है, ठीक है, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड को क्या करते हैं आप, कार्ड के स्लॉट में अंदर डालते हैं। फिर क्या करते हैं, उस आपको दिखाता है स्क्रीन पर, मतलब एटीएम के स्क्रीन पर आपको वेलकम करता है और आपको पूछता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। आपको पैसे निकालने हैं, आपको मिनी स्टेटमेंट चेक करना है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो आपको अगर पैसे निकालने हैं आप उसमें क्लिक करते हैं या टच करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो आपसे आपका पिन मांगता है और उस हिसाब से फिर आप जितना अमाउंट निकालना चाहते हैं वो अमाउंट की राशि मांगता है और उसके बाद आप अपना कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हुआ नकदी निकालना। अब बात आती है कि केवल पैसों को निकाला ही नहीं जाता, बल्कि जो पैसों को एटीएम के थ्रू जमा भी किया जा सकता है। अब ये दो प्रकार का होता है एटीएम में, हम कह सकते हैं जो धन जमा करने की दो विधि है। पहली है एटीएम कार्ड से, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप जैसे ही एटीएम कार्ड के स्लॉट में अपने एटीएम को डालेंगे, उसमें आपका अकाउंट नंबर नहीं मांगेगा, आप उसमें क्या करेंगे, अपने नकदी को डालेंगे, जहाँ पे कैश का स्लॉट रहता है वहाँ डालेंगे, वो काउंट करेगा, है ना, और गिनने के बाद वो कितने नोट असली हैं कितने नोट नकली हैं सब बताएगा, और उसके बाद आपसे आपका पिन मांगेगा और आपसे येस और नो करके ऑप्शन पूछेगा, और उसके बाद आपके अकाउंट में वो पैसे जमा हो जाएंगे। इस स्थिति में आपने देखा कि एटीएम कार्ड चूंकि उस स्लॉट में गया है तो आपसे अकाउंट नंबर नहीं मांगा गया है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने अकाउंट में या जिस एटीएम कार्ड को इंसर्ट किया है आप उस अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ स्थिति बदल भी सकती है। जब आप दूसरे के अकाउंट में पैसा डालेंगे उस समय क्या होगा, आपसे अकाउंट नंबर पूछा जाएगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, है ना। इसमें क्या होता है कि एटीएम मशीन पे क्वेश्चन आएगा कि आप इसमें अकाउंट नंबर डालिए, कैश को उस कैश के स्लॉट में डालने के बाद जब वो गिन लेगा, बता देगा कि इतने 500 के नोट है, इतने 100 के नोट है, इतने नोट सही हैं, इतने नोट नकली हैं, सारी क्रिया होने के बाद आपसे अकाउंट नंबर पूछेगा। आपको जिसके भी खाते में वो कैश डिपॉजिट करना है वो अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, और आगे की प्रोसेस होने के बाद फिर क्या होगा, वो पैसा उस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो पहली थी कि सीधा एटीएम कार्ड के द्वारा आपने पैसा जमा कर लिया, जिसमें वो अकाउंट कार्ड होल्डर के अकाउंट में गया या आपके खाते में गया कह सकते हैं, क्योंकि एटीएम कार्ड आपका हो सकता है। और दूसरी प्रत्यक्ष विधि, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये अकाउंट जो है किसी और का है, दूसरे व्यक्ति का है, जिस पर कैश ट्रांसफ़र किया गया है। जो अब हम बात करते हैं एटीएम की उपयोगिता में, हमने दो देखा, पहला नकदी निकालना, दूसरा नकदी जमा करना। तीसरी उपयोगिता आती है शेष पूछताछ करना, यानी बैलेंस इंक्वायरी करना। जब बैलेंस इंक्वायरी का ऑप्शन जब उसमें आता है, अगर उसको आप टच करेंगे तो एक स्लिप बाहर आएगी, उसमें आपका अकाउंट में कितना बैलेंस शेष है वो आपको एक छोटे से स्लिप में दिखाया जाएगा। इसी तरह मिनी स्टेटमेंट की बात आती है, लघु विवरण जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसमें क्या होता है कि मिनी स्टेटमेंट में कुछ समय के जितने भी ट्रांजेक्शन्स किए गए हैं, किसको कितना पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, थोड़े ही संख्या में दिखाता है, लेकिन 5 से 6 ट्रांजेक्शन्स आपको उस मिनी स्टेटमेंट में दिखाए जाएंगे। फिर बात आती है कि बिलों का भुगतान। आप बिलों के भुगतान में आप बिजली का बिल का कर सकते हैं, इसके अलावा पानी का बिल पे कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, ऐसी कई सुविधाएं। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस तरह के एटीएम
मतलब एटीएम में वो सुविधा उपलब्ध हो और उस तरह की बैंक वो सुविधा को उपलब्ध कराती हो। अगली बात आती है धन स्थानांतरण यानी फंड ट्रांसफ़र की। जैसे मैंने आपको बात बताई कि अगर आपको किसी और के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करनी है तो वही प्रक्रिया जिसे हम प्रत्यक्ष विधि कह रहे थे, डायरेक्ट मेथड, उसके थ्रू आप यूज़ करके क्या कर सकते हैं, दूसरे के अकाउंट में फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अंतिम बात आती है मोबाइल रिचार्ज। इसमें क्या होता है, जिन लोगों ने प्री पेड कनेक्शंस, मोबाइल कनेक्शंस ले रखे हैं और उन्होंने अपने एटीएम से इसको किसी भी तरह कनेक्ट करके रखा है बैंक के माध्यम से, वो लोग इस एटीएम कार्ड का या एटीएम का उपयोग करके अपने मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हैं। इस स्थिति में क्या होगा, जो जितने का रिचार्ज होगा वो अमाउंट जो है वो कार्ड होल्डर के अकाउंट में से डिडक्ट हो जाएगी और वो कहाँ चली जाएगी, रिचार्ज कंपनी के अकाउंट में हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आपने एटीएम की उपयोगिता को जाना। एटीएम कार्ड के लाभों को अगर हम देखें तो वो कुछ इस प्रकार कहे जा सकते हैं कि इसमें समय की बचत होती है, क्योंकि जल्दी से पैसे निकल जाते हैं। लंबी लंबी लाइनों में क्या होता है कि लोगों को बैंकों में लाइन नहीं लगानी पड़ती। ठीक है, समय की बचत हो रही है, ये सेफ़ भी है, सुरक्षित भी है। और साथ ही साथ आप शहर के बाहर हैं या इसके अलावा देश में किसी भी कोने पे हैं, अगर आपका एटीएम कार्ड है आपके साथ तो आप पैसों का ट्रांजैक्शंस इजीली कर सकते हैं। इन्हें आप एटीएम के लाभों में लिख सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि स्मार्ट कार्ड क्या है। स्मार्ट कार्ड ये बहुत ही जाना पहचाना नाम है। ये जो होते हैं वो अति लघु टेम्पर प्रूफ उपकरण होते हैं। इनमें बहुत बड़ी मात्रा में आपके डेटा को सेव करके रखा जा सकता है। इनमें जो डेटा को सेव करके रखने के लिए एक माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो चिप लगी होती है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। अब बच्चों अगर इसके डिफरेंट फॉर्म्स को देखें या विभिन्न प्रारूपों को देखें तो स्मार्ट कार्ड में आप क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं, साथ ही साथ की शेप्ड कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, स्लिम चिप फॉर सेलुलर फोन्स वो भी एज अ स्मार्ट कार्ड यूज़ किए जा सकते हैं। अब अगर हम स्मार्ट कार्ड की उपयोगिता को जानें तो स्मार्ट कार्ड की उपयोगिता जो है सबसे पहले बैंकिंग व रिटेल के लिए होती है। जैसे कि आपने जाना कि इसमें बहुत सारे डेटा को सेव किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे जब पैसे जब हम कोई वस्तु ख़रीदते हैं तो उसके लिए हम जो अकाउंट डिटेल्स देते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, बैंकिंग और रिटेल से संबंधित हैं। तो इन स्मार्ट कार्ड की पहली उपयोगिता जो होती है वो बैंकिंग व रिटेल के लिए होती है। फिर एज अ इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट के रूप में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पर्स में, मतलब अपने अकाउंट में से क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ पैसा अलग से स्टोर करके निकाल करके एज ए डेटा डिजिटल अमाउंट रखते हैं और जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो स्मार्ट कार्ड के थ्रू उसका पेमेंट करते हैं डिजिट्स में, लेकिन वो आपके अकाउंट से या वॉलेट से उतना अमाउंट कट जाता है। फिर बात आती है स्वास्थ्य देखभाल की यानी हेल्थ केयर की। जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं कुछ ऐसे स्मार्ट कार्ड्स हैं जिनका यूज़ हेल्थ केयर के लिए किया जाता है। इसमें क्या कहता है कि बीमा कराया जाता है और बीमा की अमाउंट और बीमा की सारी डिटेल्स इसमें अवेलेबल होती हैं। जैसे ही कुछ समस्याएँ आती हैं आप इस बीमा का इस्तेमाल करते हुए जो जितना भी पैसा आपको आपके स्वास्थ्य संबंधित लगा है उसे रीएम्बर्स कर सकते हैं, है ना। फिर बात आती है पहचान पुष्टि की यानी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की। पहचान पुष्टि इसलिए ज़रूरी है ताकि सारी चीज़ों को गुप्त रखा जा सके। यहाँ पर जो बात आती है आपके खुद के फ़ोटो को और आपके फिंगरप्रिंट को एज अ आइडेंटिटी प्रूफ जो है सेव करके रखा जाता है, ताकि इन फ्यूचर जो है आपके जो सारे डेटा हैं उसको सेफली सुरक्षित रखा जा सके, है ना। अब हमने देखा कि स्मार्ट कार्ड होते क्या हैं और साथ ही साथ उनकी उपयोगिता क्या है। अब स्मार्ट कार्ड से होने वाले लाभ को जानते हैं। स्मार्ट कार्ड के लाभ, सबसे पहले ये बात करते हैं कि इसे ये बहुउद्देशीय उपकरण है यानी मल्टीपर्पज़ डिवाइस।
अब जब ये बहुउद्देशीय उपकरण है, तो मैंने जैसे कि पहले ही बताया इसकी उपयोगिता में कि बैंकिंग में इसका यूज़ होता है, रिटेल में यूज़ होता है, स्वास्थ्य संबंधी इसका यूज़ होता है, साथ ही साथ इनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में इसका यूज़ होता है, एज ए इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब ये मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए ये जो स्मार्ट कार्ड है वो यूज़ किए जाते हैं। फिर बात आती है कि ये पूर्ण सुरक्षा यानी फुल सिक्योरिटी के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपकी फ़ोटो और फिंगरप्रिंट्स को एज अ आइडेंटिटी प्रूफ रखा जाता है। इन केस ऐसा लगता है कि कुछ फ्रॉड होने की संभावना है तो ये कार्ड पिन मांगते हैं, ठीक है। अगर प्रॉपर पिन नहीं डाला गया 2 से 3 बार में तो आपके कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाता है, इसमें से आप कोई भी पेमेंट पॉसिबल नहीं होता। फिर बात आती है गतिशीलता की यानी पोर्टेबिलिटी की। ये जो कार्ड होते हैं वो बहुत ही आकार में छोटे से होते हैं और बहुत ही हल्के होते हैं। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है, इनमें बहुत समस्या नहीं आती है। जो अगली बात आती है वो है अधिक संग्रहण क्षमता की यानी मोर स्टोरेज कैपेसिटी की। हालांकि ये जो कार्ड होते हैं दिखने में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनकी जो संग्रहण क्षमता होती है बहुत बड़ी होती है। ये लगभग 128K bits की होती है और आसान प्रयोग, ईजी टू यूज़, इनको उपयोग में लाना बहुत ही आसान होता है। तो इस वजह से इन्हें कस्टमर फ्रेंडली भी कहा जाता है या उपभोक्ता अनुकूल भी कहा जाता है। तो बच्चों, इस तरीके से आपने ई बिज़नेस को जाना, साथ ही साथ एटीएम कार्ड के बारे में या एटीएम के बारे में और स्मार्ट कार्ड के बारे में डिटेल में जाना।